सो गाइज आज है 19 फरवरी, तो आप लोग तैयार हो जाइए आज की केपॉप की सारी अपडेट्स जानने के लिए। आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना जिससे कि सारी अपडेट्स आपको समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। गाइज एक BTS आर्मी ने BTS मेंबर के लिए एक ऑरेंज से एक फैन आर्ट बनाया था, साथ ही उन्होंने BTS मेंबर को टैग भी किया था। आइए आपको फैन आर्ट दिखाते हैं। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं आज की केपॉप की अगली अपडेट की ओर। गाइस आपने देखा होगा कि केपॉप के मेंबर्स की रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं, तो चलिए जानते हैं कि इससे कंपनीज को कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब ब्लैक मेंबर जेनी और वीके रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया पर फैली थी तो इससे YG एंटरटेनमेंट के शेयर की प्राइस की कीमत पिछले एक दिन से 5.27 टाइम्स गिर गई थी और हाइप के शेयर की प्राइस 6.25 टाइम्स गिर गई थी। गाइस तभी तो जो सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट मत किया कीजिए, इससे कंपनीज को भारी नुकसान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की ओर। गाइस आपको बता दें कि BTS मेंबर J-Hope की जो डॉक्यू सीरीज थी उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसमें स्ट्रीट डांसर से लेकर ग्लोबल आइकन तक का सफर है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसे अभी तक देख लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। गाइस BTS के जो अमेरिकन यूनिट का बॉस है BTS आर्मी उसे हटवाना चाह रही है, क्योंकि दोस्तों उसने एक स्पीच में कह दिया था कि हमास को हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए, यानी कि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि अभी तक उन्होंने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, पर हो सकता है कि वो जल्दी इस पर कुछ एक्शन लें। अगली न्यूज ब्लैकपिंक ग्रुप से है। आपको बता दें कि ब्लैक मेंबर जेनी पहली फीमेल केपॉप सोलिस्ट बन चुकी हैं जिसने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। तो गाइस ये थी आज की केपॉप की ढेर सारी अपडेट्स। तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम पर केपॉप की ढेर सारी अपडेट्स के साथ में। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपसे ढेर सारी अपडेट्स मिस हो जाएं।